फर्टाइल डेज, प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे अच्छे दिन कौन से होते हैं? कौन से वह दिन होते हैं जब आपको संबंध बनाने चाहिए, रिलेशनशिप रखना चाहिए, ताकि बच्चा ठहर सके, ताकि प्रेगनेंसी हो सके? बहुत सी महिलाओं को ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन से दिन पर रिलेशनशिप रखना है, कब रिलेशनशिप नहीं रखना है ताकि प्रेगनेंसी हो। आपको फर्टाइल डेज के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। आज हम इस वीडियो में यह डिटेल में जानेंगे कि फर्टाइल डेज कौन से होते हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि कौन से फर्टाइल डेज हैं। हर महिला में यह दिन अलग अलग होते हैं और किस प्रकार से हम यह जान सकते हैं, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे फर्टाइल डेज होते कौन से हैं। फर्टाइल डेज वो दिन होते हैं, उन दिनों को हम फर्टाइल डेज कहते हैं, कि जिस टाइम पे अगर आपने संबंध बनाए, अगर रिलेशनशिप रखे, तो प्रेगनेंसी हो सकती है, बच्चा ठहर सकता है। हर महिला के अंदर महीने में सिर्फ एक ही बार अंडा निकल कर बाहर आता है, और जो अंडा निकल के बाहर आता है उसकी लाइफ जो होती है, उसका जीवन काल सिर्फ 24 घंटे का होता है। और जो शुक्राणु होता है, यानी कि जो स्पर्म होता है, उसकी लाइफ महिला की बॉडी के अंदर 3 से 5 दिन की ही होती है। तो जिस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर अंडा निकल के बाहर आया है, ओव्यूलेशन हुआ है, अंडा अवेलेबल है, उस टाइम पे, उस समय पे शुक्राणु या स्पर्म्स भी अवेलेबल होने चाहिए आपकी बॉडी में, तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो ही प्रेगनेंसी हो सकती है। देखिए, ओवरीज के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर अंडा ग्रो करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड नामक ग्लैंड होता है, जो कि आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। वह एक हार्मोन रिलीज़ करता है, FSH नाम का हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि ओवरी के ऊपर काम करता है। उसके कारण जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं। हर महीने थोड़े थोड़े से फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, किंतु उसमें से एक फॉलिकल ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। वह फॉलिकल्स जब ग्रो होते हैं तो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करते हैं, वो फिर से पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है। पिट्यूटरी एक LH नामक हार्मोन रिलीज़ करती है, जिससे कि फॉलिकल में से, डोमिनेंट फॉलिकल में से अंडा निकलकर बाहर आ जाता है, और उसे हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है वह बढ़ने लगता है। तो बेसिकली बात यह है कि महिला के अंदर ये जो अंडा निकलने वाला जो प्रोसेस है, ये पूर्णतः हार्मोन्स डिसाइड करते हैं, हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए, ये 4 हार्मोन्स होते हैं, LH, FSH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिनका कि एक मेन रोल होता है ओव्यूलेशन के अंदर, अंडा निकलने के अंदर। इन हार्मोन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही वो हार्मोन्स हैं जो कि इस ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और प्रेगनेंसी होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको अपने फर्टाइल डेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी महिलाओं को लगता है कि महीने का जो बीच वाला दिन है वो फर्टाइल डे होता है। कुछ महिलाओं को लगता है कि हर महिला के अंदर 14th डे फर्टाइल डे होता है, परंतु ऐसा नहीं है। वो काफ़ी हद तक आपकी साइकिल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपकी साइकिल 28 दिन की साइकिल है तो यूजुअली 14th डे पे रिलीज़ होगा एक। अगर आपकी साइकिल 30 डेज़ की है तो यही ओव्यूलेशन 16th डे पे रिलीज़ होगा। अगर आपकी साइकिल 32 डेज़ की है तो वह 18th डे पे अंडा निकलेगा। बेसिकली साइकिल जो होती है, यानी कि महिलाओं के अंदर जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो पहली वाली, यानी कि अंडा निकलने से पहली वाली साइकिल, जिसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और एक होता है अंडा निकल गया उसके बाद वाली साइकिल, यानी कि ल्यूटियल फेज। तो बेसिकली इसके अंदर जो अंडा निकलने के बाद वाले दिन हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं, वो 14 दिन होते हैं, वो हर महिला में यूजुअली फिक्स रहते हैं। लेकिन अंडा निकलने से जो पहले वाला पार्ट है, यानी कि ये जो फॉलिकुलर फेज है, वो हर महीने बदलता रहता है। अलग अलग महिलाओं में भी अलग अलग होता है, और एक ही महिला में भी अलग अलग हो सकता है। किसी महीने हो सकता है वह सिर्फ 10 दिन का हो, और किसी दिन, किसी साइकिल में ऐसा भी हो सकता है कि वह 15 दिन का हो, और उसी के कारण जो साइकिल लेंथ भी होती है वो बदल जाती है। आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि पीरियड 28 दिन में आता है, कभी पीरियड 32 दिन में भी आ जाता है। तो ये जो साइकिल लेंथ चेंज होती है, ये साइकिल लेंथ इसीलिए चेंज होती है क्योंकि जो आपकी फॉलिकुलर फेज है, यानी कि अंडा निकलने से जो पहले वाले दिन हैं, वो बदलते रहते हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। अंडा निकलने के बाद वाले डेज, यानी कि ल्यूटियल फेज, तो डेफिनेटली फिक्स होता है, 14 दिन का होता है। पर
हमें ये पता नहीं होता कौन सी साइकिल में ये फॉलिकुलर फेज 14 दिन का होने वाला है, कौन सी साइकिल में ये 16 दिन का होने वाला है, तो हमारा ये कन्फ्यूजन बहुत क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल अंडा कब निकल के आएगा। डेफिनेटली अगर आपके साइकिल्स बिल्कुल रेगुलर हैं तो आप एक फर्टाइल विंडो को कैलकुलेट कर सकती हैं, जैसे कि मैंने दूसरे वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आप अपने ओवुलेशन डे को कैसे डिटेक्ट कर सकती हैं। परंतु यदि आपके साइकिल्स थोड़े इरेगुलर हैं या थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है बॉडी के अंदर, तो ये कैलकुलेशन बहुत बार गलत हो जाती है। या फिर आप और ज़्यादा एक्यूरेटली जानना चाहती हैं कि बिल्कुल पिन पॉइंट जानना चाहती हैं कि कब आपका ओवुलेशन है, आप एक बड़ा विंडो नहीं, आप एक पर्टिकुलर डे जानना चाहती हैं, तो उसको जानने के लिए डेफिनेटली हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि फॉलिकुलर स्टडी होता है, ओवुलेशन किट्स के माध्यम से हम जान सकते हैं। फॉलिकुलर स्टडी यूजुअली हम तब कराते हैं जब हम IUI या IVF वगैरह कर रहे होते हैं। फॉलिकुलर स्टडी एक प्रकार की सोनोग्राफी होती है जिसमें कि महिला डॉक्टर के पास जाती है और 4-5 बार जाने की ज़रूरत रहती है, जिसमें देखा जाता है कि अंडा ठीक से बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो ग्रो हो रहा है और कब उसमें से निकल के बाहर आने वाला है, वो उसके साइज़ से हमें आइडिया लग जाता है। ये काफ़ी एक्यूरेट तरीका होता है, लेकिन इसके लिए आपको 4-5 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। दूसरे कई तरीके ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जिससे कि आप अपने आप भी जान सकते हैं कि आपका ओवुलेशन पिन पॉइंट एग्जैक्टली कब होने वाला है। वे होता है ओवुलेशन किट्स के हेल्प से। कई प्रकार की ओवुलेशन किट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, नॉर्मल ओवुलेशन किट्स भी होती हैं और डिजिटल ओवुलेशन किट्स भी होती हैं। नॉर्मल ओवुलेशन किट्स वो बेसिकली क्या करती हैं, आपके बॉडी के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि ये हॉर्मोन्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वह आपकी बॉडी के अंदर LH हार्मोन जो होता है उसके सर्ज को यानी कि उसके लेवल को डिटेक्ट करती है। बेसिकली ये माना जाता है कि जब LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जब LH सर्ज होता है, तो उसके 24 से 36 घंटे के बाद में ओवुलेशन होता है। तो ये बेसिकली LH को डिटेक्ट करती हैं जिसके द्वारा ये आपको गाइड करती हैं कि अब ओवुलेशन होने वाला है। परंतु कई कई केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि PCOD के केसेस जिसके अंदर की LH सर्ज तो होता है परंतु ओवुलेशन नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशंस में ओवुलेशन किट्स जो नॉर्मल ओवुलेशन किट्स हैं वह फेल हो सकती हैं। परंतु ओवुलेशन किट्स डिजिटल ओवुलेशन किट्स भी आती हैं। डिजिटल ओवुलेशन किट जैसे कि इनिटो मॉनिटर आता है, यह ना केवल आपकी बॉडी में LH सर्ज को डिटेक्ट करता है परंतु ईस्ट्रोजन हार्मोन को भी साथ में डिटेक्ट करता है। तो क्योंकि ये LH और ईस्ट्रोजन दोनों को डिटेक्ट करता है, इसके कारण इसकी जो एक्यूरेसी होती है वह बढ़ जाती है। इसके अलावा यह आपको ये भी बताता है कि बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ या नहीं हुआ, जिसके द्वारा हमें यह कंफर्म होता है कि एक्चुअली ओवुलेशन हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि PCOD के केसेस में LH सर्ज तो आता है लेकिन ओवुलेशन होता नहीं है। तो अगर PCOD का केस है और उसे हम डिजिटल मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, उस केस के अंदर इनिटो मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें ये बता पाएगा कि एक्चुअल में ओवुलेशन हुआ या सिर्फ LH सर्ज होके रह गया। तो इसकी एक्यूरेसी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये आपको ये तो बता ही रहा है कि आपको कब रिलेशनशिप रखना है, कौन सा आपका फर्टाइल डे है, कौन सा आपका ओवुलेशन के पास वाला दिन है, परंतु ये साथ में ये भी बता रहा है कि एक्चुअली ओवुलेशन हुआ या नहीं हुआ। ये एक USFDA प्रोडक्ट है ये जो इनिटो मॉनिटर करके आता है। इसके अंदर बेसिकली एक तो ओवुलेशन की स्ट्रिप्स आती हैं और साथ में एक मॉनिटर आता है जिससे कि आपको अपने फ़ोन से कनेक्ट करना रहता है। वो आपसे आपका पीरियड्स का डेटा मांगता है, पिछले 2-3 साइकिल्स का जो आपको उसके अंदर एंटर करना रहता है। उसके बाद ये अपने आप ही आपको गाइड कर देता है कि आपको टेस्टिंग कब से शुरू करनी है। टेस्टिंग यूरिन के सैंपल से की जाती है जो कि बहुत ही सिंपल और एक आसान तरीका होता है। ये जो मॉनिटर होता है खुद ही आपको गाइड करता रहता है कि आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, तो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, वो बहुत सिंपल सा काम होता है। बेसिकली उसके अंदर आप यूरिन सैंपल डालते हैं, उसके हिसाब से वो आपको रिजल्ट्स देता है। रिजल्ट्स के अंदर आपका रिजल्ट लो फर्टिलिटी आ सकता है। लो फर्टिलिटी का मतलब है कि आपका ओवुलेशन अभी पास में नहीं है। आपका रिजल्ट पीक फर्टिलिटी या हाई फर्टिलिटी आ सकता है। हाई फर्टिलिटी का मतलब है कि आपका ओवुलेशन नज़दीक में है, अब आपको अल्टरनेट डे एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशनशिप रखना चाहिए। आपका रिजल्ट पीक फर्टिलिटी आ सकता है। पीक फर्टिलिटी का मतलब है कि अब ओवुलेशन होने ही वाला है, 24 से 36 घंटों में बिल्कुल पास में है, तो अब आपको आज ही रिलेशनशिप रखना है। उसके बाद आपका रिजल्ट ओवुलेशन कन्फर्म्ड भी आ सकता है। ओवुलेशन कन्फर्म तब वो रिजल्ट बताता है जब बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का वैल्यू बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो मॉनिटर होता है ये घर बैठे आपको एक्यूरेटली बता पाता है कि आपका ओवुलेशन कब हुआ है।
तो इससे क्या होता है, आपका ये जो कन्फ्यूजन चल रहा होता है कि एक्चुअल में आपकी साइकिल के अंदर कब ओवुलेशन हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ साइकिल्स कभी कभी एनोविलेटरी साइकिल्स भी होती हैं, तो आपको ये भी क्लियर कर देता है कि कब हो रहा है और एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉलिकुलर स्टडी में जैसा मैंने बताया कि जाना पड़ता है, स्ट्रेस लेवल रहता है, तो वो सारी प्रॉब्लम जब आप घर बैठ के ओवुलेशन किट्स का प्रयोग करते हैं, इनिटो मॉनिटर यूज़ करते हैं, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता है। इट्स क्वाइट इजी, वो एक आसान काम हो जाता है आपके लिए ओवुलेशन को डिटेक्ट करना। और ओवुलेशन डिटेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप डेफिनेटली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसको आपको नेक्स्ट स्टेप में डेफिनेटली ये सोचना ही चाहिए, जानना ही चाहिए कि आपके फर्टाइल डेज कौन से हैं, ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप इस तरह के मॉनिटर्स की हेल्प से प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको डेफिनेटली ये मॉनिटर्स हेल्पफुल हो सकते हैं। आप डेफिनेटली इनका यूज़ कीजिए ताकि आप जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।